नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ मीनाक्षी। पिछले एक साल से जब भी हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, असम का नाम सबसे पहले आता है। और जब हम असम की बात करते हैं तो NRC की प्रक्रिया के बारे में लगातार बात होती है। NRC की प्रक्रिया जो है, NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसके बारे में हम जब भी बात करते हैं तो कोई ना कोई विवाद होता है, या फिर किसी राजनेता द्वारा दिया गया बयान होता है, या फिर मामला होता है सांप्रदायिकता का। लगातार से जब से NRC खबरों में बना हुआ है, तब से इसको लेकर तमाम तरीके की गलत फहमियाँ भी इसके साथ आई हैं। लोगों को सही जानकारी ना होने की वजह से लगातार अफवाहें और गलत खबरें जो हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। आज हम बात करेंगे NRC की और ढूंढेंगे कि इसकी जड़ें कहां पर हैं, कहां से इसकी शुरुआत हुई और क्यों केवल NRC असम में ही हो रहा है। ब्रिटिश काल से ही असम में बाहरी प्रांतों के लोगों का आना जाना लगा रहता था। वजह स्पष्ट रूप से रोजगार था। राज्य की जनसंख्या अधिक नहीं थी और चाय के बागानों आदि में काम करने के लिए पड़ोसी बंगाल, बिहार, इसके अलावा देश के कई प्रांतों से लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। समय के साथ असम प्रांत का विभाजन होता रहा और 1947 में आज़ादी के साथ सिलहट क्षेत्र के पूर्वी पाकिस्तान में जाने के साथ असम का वर्तमान स्वरूप भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। रोजगार के लिए यहाँ बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के चलते स्थानीय बनाम बाहरी का प्रतिरोध हमेशा से चलता रहा था। असम एक सीमांत राज्य है और इसलिए आज़ादी के बाद बड़ी संख्या में लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आए थे और असम के निकटतम होने के चलते यहीं बस गए। इसके बाद से राज्य में बाहरी लोगों के अवैध रूप से आने का मुद्दा सिर उठाने लगा और 1951 की जनगणना के बाद NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार किया गया। तब इसे जनगणना के दौरान मिले लोगों के विवरण के आधार पर तैयार किया गया था। इसके बाद स्थितियां तब गंभीर हुई जब पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा आंदोलन शुरू हुआ और लोग, बांग्ला भाषी जो लोग थे वहां के, वो पलायन करके भारत पहुंचने लगे। समय के साथ ये जो भाषा आंदोलन था, ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बदला, जिसका अंत हुआ 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसके बाद बांग्लादेश का गठन हुआ। ऐसा बताया जाता है कि उस समय तकरीबन 10 लाख लोग बांग्लादेश से भारत पहुँचे थे। हालांकि तत्काल भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत शरणार्थियों का बोझ वहन नहीं करेगा और किसी भी धर्म के शरणार्थियों ने वापस जाना ही होगा। इसके बावजूद भी 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद अधिकतर लोग वापस गए, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख के करीब बांग्लादेशी असम में ही रह गए थे। राज्य में इतनी संख्या में बांग्लादेशियों के आने से स्थानियों में असमिया संस्कृति और जाति अस्मिता को लेकर असुरक्षा का भाव पैदा होने लगा, जिसके बाद दो संगठन राज्य में रह रहे बाहरी, खास तौर पर बांग्लादेश से आए हुए लोगों के खिलाफ मुख्य रूप से सामने आए और असम आंदोलन की नींव पड़ी। असम आंदोलन मुख्य रूप से ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू और असम गण संग्राम परिषद शामिल थे। इस आंदोलन को असमिया बोलने वाले हिंदू, मुस्लिम, यहाँ तक कि बांग्ला भाषियों का भी समर्थन मिला हुआ था। यह साल 1978 था। इसी बीच एक सांसद के निधन के बाद हुए उपचुनाव की घोषणा हुई, जिसमें सामने आया कि अचानक से राज्य में मतदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह माना गया कि इसकी वजह बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं जिनके नाम अब राज्य की मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं। आंदोलन के नेताओं का दावा था कि राज्य की जनसंख्या का 31 से लेकर 34% जो है वो बाहरी लोगों का है, और वो बाहरी जो अवैध रूप से यहाँ आकर रहे। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ मांगें रखी। उनकी पहली मांग थी कि ये जो बाहरी लोग हैं, इनकी पहचान की जाए, इनको मतदाता सूची से हटाया जाए और जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक राज्य में कोई भी चुनाव ना हो। दूसरी शर्त थी कि राज्य की सीमाओं को सील कर दिया जाए, जिससे अवैध रूप से आने वाले लोगों पर रोक लग सके। 1978 से 1985 के दौरान राज्य में यह आंदोलन जोर पकड़ चुका था। सरकार ने विधानसभा चुनाव करवाने की कोशिश की थी और बहुत जो इसका नतीजा था, बहुत कम मत प्रतिशत था। कांग्रेस की सरकार बनी थी पर जिसका कोई भी, जिसको वैल्यू नहीं किया जा रहा था। इस बीच राज्य में पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए जो मुसलमान थे उनके साथ काफ़ी हिंसा हुई थी। 6 साल तक चले इस आंदोलन में करीब 850 आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवाई थी। 1983 में मोरीगांव जिले के नेल्ली में हुए नरसंहार के बाद केंद्र सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच समझौते को लेकर बातचीत शुरू हुई और 15 अगस्त 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लाल किले से अपने भाषण में असम समझौते की घोषणा की। राजीव गांधी ने जिस समझौते की घोषणा की थी उसके अनुसार कुछ शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त थी कि 25 मार्च 1971 के बाद राज्य में आए लोगों को विदेशी माना जाएगा और वापस उनके देश भेजा जाएगा। 1951 से 61 के बीच असम में जो लोग आए थे उनको नागरिकता भी दी जाएगी और मत देने का अधिकार। 1961 से 71 के बीच आए हुए लोग जो थे उन्हें नागरिकता तो मिलेगी लेकिन मताधिकार नहीं मिलेगा।
वहीं समझौते की एक शर्त ये भी थी कि 1966 से 1971 के बीच जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़े हैं उन्हें हटाया जाएगा और अगले 10 सालों तक उनका मत करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसी आधार पर NRC को तैयार किया गया था और इसे अपडेट किया जाना था। इसके अनुसार राज्य का कोई भी निवासी अगर यह साबित नहीं कर सका कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले यहां राज्य में आकर बसे थे तो उसे विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि किस तारीख थी, किस तरीके से ये सारा मुद्दा जो था ये शुरू हुआ। 1999 में केंद्र की वाजपेयी सरकार ने NRC अपडेट करने का मुद्दा उठाया और इसे अपडेट करने का फैसला किया। हालांकि साल 2004 में सरकार बदलने तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। मई 2005 में मनमोहन सिंह सरकार के समय केंद्र, असम सरकार और आसू के नेताओं की बैठक हुई और NRC अपडेट करने का निर्णय लिया गया। 2009 में सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रक्रिया में जुड़ गया जब असम पब्लिक वर्क्स नाम के एक NGO ने अवैध प्रवासियों को असम की मतदाता सूची से हटाने को लेकर शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की। जून 2010 में राज्य के 2 जिलों कामरूप और बारपेटा में NRC अपडेट करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, लेकिन हिंसा और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के चलते इसे महीने भर में ही बंद करना पड़ा। इसके बाद राज्य सरकार ने जुलाई 2011 में इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक सब कमेटी बनाई। मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को NRC संबंधी तौर तरीकों को अंतिम प्रारूप देने का निर्देश दिया। इसके बाद साल 2014 में कोर्ट ने NRC अपडेट करने की यह प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया और तब से सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। 2015 में NRC आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई और अदालत ने इसे 31 दिसंबर 2017 तक पूरा करने को कहा। NRC का पहला मसौदा 31 दिसंबर 2017 और जनवरी 1-2018 की दरमियानी रात में प्रकाशित हुआ, जिसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ लोगों के नाम ही शामिल हुए थे। इसके बाद 31 जुलाई 2018 में प्रकाशित NRC के फाइनल मसौदे यानी फाइनल ड्राफ्ट में 3.29 करोड़ आवेदनों में से 2.9 करोड़ लोगों का नाम शामिल हुआ, जबकि 40 लाख लोगों को इस सूची से बाहर कर दिया गया। बीते जून महीने में NRC मसौदे की एक नई निष्कासन यानी एक्सक्लूजन सूची जारी हुई, जिसमें 1 लाख से थोड़े अधिक लोगों को बाहर किया गया था, यानी टोटल 40 लाख प्लस 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम NRC की जो अभी तक मसौदे आए हैं उन सूची में शामिल नहीं है। इस सूची में जिन लोगों के नाम हैं जो एक्सक्लूजन लिस्ट है, ये वे लोग हैं जिनका नाम पिछले 30 जुलाई को जारी NRC के मसौदे में शामिल था, लेकिन बाद में वे इसके लिए योग्य नहीं पाए गए थे। अब 31 अगस्त को NRC की फाइनल सूची जारी होनी है। इसके साथ ही जब NRC का मुद्दा चल रहा था तो लोगों में एक डर देखा गया था। NRC का पहला मसौदा जारी होने के बाद उसके बाद से ही प्रक्रिया पर बहुत सारे सवाल उठे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि उनके दस्तावेज पूरे होने के बावजूद उनका नाम इस सूची में नहीं आया है, ड्राफ्ट में उनका नाम नहीं है। प्रक्रिया को लेकर चल रही शिकायतों के बीच उठने वाला एक मुद्दा यह भी था कि NRC के बहाने से मुस्लिमों पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स जब देखते हैं तो वे बताती हैं कि प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों का शिकार केवल मुसलमान ही नहीं हिंदू भी हैं। इसके साथ ही सूची में नाम ना आने के बाद की प्रक्रिया को लेकर भी कोई स्पष्टता ना होना लोगों में जो भय था उसका जिम्मेदार रहा। NRC के ड्राफ्ट में नाम ना आने के बाद आत्महत्या के भी कई मामले सामने आए, जहां परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसकी वजह NRC है, पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं है और आत्महत्याओं की वजह निजी है। लोगों के अंदर डर को देखते हुए बीते दिनों गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम इस सूची में नहीं होंगे उनके लिए सरकार अपील करने की पूरी व्यवस्था करेगी, उन्हें कानूनी मदद दी जाएगी। जिन लोगों के नाम NRC की अंतिम सूची में शामिल नहीं होंगे उनमें से प्रत्येक व्यक्ति विदेशी न्यायाधिकरण यानी कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में अपना मामला ले जा सकता है। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम फाइनल NRC सूची में नहीं आता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे विदेशी घोषित कर दिया जाएगा, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा डर था लोगों के बीच। फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 यानी कि 1964 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार केवल और केवल फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास है। ऐसे में अगर किसी का नाम सूची में नहीं है तो वह ट्राइब्यूनल में 120 दिन के अंदर अपील दायर कर सकते हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने यह बदलाव किया है, यह 60 दिन की समय सीमा थी जिसे बढ़ाकर 120 किया गया है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि सूची में नाम ना आने वाले लोगों को अपील करने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। NRC प्रक्रिया की आलोचना के साथ जो सवाल उठ रहे थे उसका एक कारण यह भी था कि NRC के बाद क्या होगा, सूची में अगर नाम नहीं होगा तो क्या होगा, इसको लेकर कोई स्पष्टता ना होना मुश्किलों का सबब बना रहा।
जहां लंबे समय तक सामाजिक कार्यकर्ता ही इसे लेकर बोल रहे थे, वहीं जैसे जैसे अंतिम सूची के प्रकाशन की तारीख नजदीक आ रही है, भाजपा और उससे जुड़े संगठनों का विरोध भी सामने आ रहा है। हालांकि किसी और राजनीतिक दल ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन भाजपा की ओर से और संघ से जुड़े संगठनों ने इसका विरोध किया है। इससे पहले खुद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से रीवेरिफिकेशन की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके साथ ही राज्य के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने पिछले महीने विधानसभा में अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए एनआरसी डेटा के जिलेवार आंकड़े साझा करते हुए बताया था कि रीवेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। वहीं अगस्त के दूसरे हफ्ते में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों ने नागरिकता संबंधी इस सूची के प्रकाशन के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए कहा था कि जब तक इनको दोबारा सत्यापित यानी रीवेरीफाई नहीं किया जाता और 100% त्रुटिहीन यानी एररलेस नहीं बनाया जाता, इस सूची का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए। दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।